अच्छा, हमने रिलेशनल एलजेब्रा, एसिड प्रॉपर्टी, फाइल स्ट्रक्चर और मतलब डीबीएमएस का, डेटाबेस का हमने सब कवर कर दिया था एक तरह से, है ना। और बी ट्रीज भी कवर करे थे। आज बात करते हैं एसक्यूएल की और आ जाते हैं डार्क मोड में। तो एसक्यूएल शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि हम एसक्यूएल में भी थ्योरी पार्ट पहले कवर कर लेंगे, ठीक है। जैसा कि आपको पता है हम थ्योरी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अभी आते हैं प्रैक्टिकल पे भी, है ना। तो थ्योरी पार्ट जो है एक टाइप का हमें कीवर्ड्स देता है और हमें समझाता है कि ये कीवर्ड्स होते क्या हैं और कब किस कीवर्ड का क्या मीनिंग है। तो बात करते हैं एसक्यूएल में सबसे पहले डीडीएल की। तो डीडीएल क्या होता है? डीडीएल इज़ अ शॉर्ट नेम ऑफ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ये आप क्लास 12th में भी पढ़ के आए होंगे, सेकेंड बुक थी हमारी सुमिता अरोड़ा में। तो डी डी एल मतलब होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, विच डील विद डेटा बेस स्कीम्स एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द डेटा शुड रजिस्टर्ड रिसाइड इन द डेटा बेस, है ना। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेफिनेशन से ही समझ में आ रहा है कि डिफाइन करना डेटा को, और किस तरह से डिफाइन करना कि इसमें स्कीम्स या डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। देखो जैसे एग्जांपल आता है क्रिएट, है ना। अगर आपने एसक्यूएल में माई एसक्यूएल आपने ट्राई करा होगा, है ना। ब्लैक स्क्रीन होती है छोटी सी और उसको बड़ा भी कर सकते हैं डेफिनेटली। तो उसमें हम करते हैं क्रिएट, करते हैं टेबल को अल्टर, करते हैं ड्रॉप, करते हैं ट्रंकेट, करते हैं रीनेम, करते हैं। तो ये सारे जो कीवर्ड्स हैं ये डेटाबेस बनाने या डेटाबेस के डेफिनेशन में काम आते हैं, इसलिए डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में इनका यूज़ होता है। तो क्रिएट क्या करता है? टू क्रिएट अ डेटाबेस एंड इट्स ऑब्जेक्ट लाइक टेबल, इंडेक्स, व्यूज, स्टोर, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूस, प्रोसीजर, फंक्शन एंड ट्रिगर्स। तो ये क्या करता है? डेटाबेस को क्रिएट करता है, उसके ऑब्जेक्ट बनाता है ना। और एल्टर क्या करता है? एल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जिस्टिंग डेटाबेस, यानी जो डेटाबेस हमारे पास पहले से है उसका स्ट्रक्चर को एल्टर करता है। बात आती है ड्रॉप की, तो ड्रॉप क्या करता है? डिलीट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द डेटाबेस, ठीक है। एल्टर समझ में आया? जो पहले था उसको चेंज कर देना। ड्रॉप करता है डिलीट, है ना। जैसे हम चीज़ों को ड्रॉप कर देते हैं, प्लान ड्रॉप हो गया, डिलीट हो गया, है ना। ट्रंकेट क्या करता है? रिमूव ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ टेबल इंक्लूडिंग ऑल स्पेसेस एलोकेटेड टू द रिकॉर्ड्स एंड रिमूव्ड। तो एक तरह से सारे रिकॉर्ड टेबल से हटा देना और इवन स्पेसेस को भी रिमूव कर देना। रीनेम क्या करता है? ऑब्जेक्ट को रीनेम करता है, जैसा कि नाम ही बता रहा है ना। और डीएमएल, डीएमएल क्या होता है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो डीडीएल देख लिया हमने, डिफाइन करने की चीज़ों को, है ना। एग्जांपल्स भी याद रखना, पूछा जाता है अगर तो फिर बता देंगे। डीएमएल करता है डेटा को मैनिपुलेट, विच डील्स विद डेटा मैनिपुलेशन एंड इंक्लूड मोस्ट कॉमन एसक्यूएल स्टेटमेंट, जैसे सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एक्सेट्रा। एंड इट इज़ यूज टू स्टोर, मॉडिफाई, रिट्रीव, डिलीट एंड अपडेट डेटा इन अ डेटाबेस। यानी अब डेटा को डिफाइन तो कर दिया हमने, अब डेटा के साथ खिलवाड़ करना है, डेटा के साथ मैनिपुलेशन करना है। तो ये कैसे होगा? तो बेसिक से मोस्ट कॉमन एसक्यूएल कमांड जो होती हैं वो इसी से बेस्ड होती हैं। जैसे सेलेक्ट करते हैं हम चीज़ों को, है ना, डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए। यानी हमें जो डेटा दे रखा है उसमें से कुछ क्वेरीज को सेलेक्ट करना हो तो सेलेक्ट क्या करते हैं? रिट्रीव डेटा फ्रॉम अ डेटा बेस। जैसे मैंने बोला सेलेक्ट नेम फ्रॉम टेबल, है ना। तो टेबल में से नेम को सेलेक्ट करना, इसको मैनिपुलेशन ही कहेंगे एक तरह से। और दूसरा होता है इंसर्ट डेटा इन टू अ टेबल, यानी डेटा को इवन इंसर्ट करना भी हमारा मैनिपुलेट में ही आता है। अपडेट करना एग्जिस्टिंग डेटा विद इन अ टेबल। तो ध्यान देना, कुछ चीज़ें जो हैं ऐसा लगेगा कि तुम्हें डेटा को डेफिनेशन में आ रही है ना, मगर होती वो मैनिपुलेशन में है। और डिलीट करना डेटा को, ऑल रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देना डेटाबेस में से। अब वहाँ पे ट्रंकेट और ड्रॉप था, है ना, ध्यान देना, यहाँ डिलीट है। ऑल रिकॉर्ड्स को डेटाबेस में से डिलीट कर देना। फिर आता है मर्ज, अपसर्ट ऑपरेशंस, इंसर्ट या अपडेट, है ना। हम मर्ज करते हैं डेटा को या टेबल्स को इवन। फिर आता है हमारा डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, डीसीएल। आपने डीसीएल नहीं पढ़ा होगा वैसे, जिसने पढ़ा अच्छी बात है, रिवाइज कर लेते हैं। डीसीएल इज़ अ शॉर्ट नेम ऑफ डेटा कंट्रोल लैंग्वेज विच इंक्लूड कमांड सच एज ग्रांट एंड मोस्टली कंसर्न विद राइट परमिशंस एंड अदर कंट्रोल्स ऑफ द डेटा सिस्टम। तो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज क्या करती है? ये कमांड जैसे ग्रांट हो गई एंड मोस्टली कंसर्न विद राइट्स, है ना। राइट्स यानी हक देना,
एक तरह से परमिशंस अलाउ करना या कोई भी कंट्रोल हो डेटा सिस्टम का, जैसे ग्रांट का बता देता हूँ आपको, अलाउ यूज़र्स एसेस प्रिविलेजेस टू द डेटा बेस, है ना। यूज़र कितना डेटा को एसेस कर सकता है, अब मान लो पासवर्ड को एसेस नहीं कर सकता तो वहाँ उसका ग्रांट नहीं है। और रिवोक क्या करता है, विड्रॉल यूज़र्स एसेस प्रिविलेज गिवन बाय यूजिंग द ग्रांट कमांड। अब किसी यूज़र को ज़्यादा ही एसेस दे दिया तो उसको विड्रॉ करने का तरीका क्या है, रिवोक कमांड का यूज़ करना। तो ये था हमारा डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। अब आते हैं TCL पे। TCL क्या होता है, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ये क्या करता है, विच डील विद ट्रांजेक्शन विद इन अ डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर जो ट्रांजेक्शन होंगी उसके साथ डील करता है। तो जैसे कमिट हो गया, कमिट्स अ ट्रांजेक्शन। रोल बैक क्या करता है, रोल बैक अ ट्रांजेक्शन इन केस ऑफ एनी एरर। और सेव पॉइंट क्या करता है, टू रोल बैक द ट्रांजेक्शन मेकिंग पॉइंट्स विद इन ग्रुप। तो देखो क्या हुआ यहाँ पे, ग्रुप्स के बेसिस पे रोल बैक हो रहा है, यानी कि ज़्यादा रोल बैक नहीं होगा, है ना। हम जैसे अगर रोल बैक क्या करता है, एक एरर हुआ डायरेक्ट पीछे हो जाओ, है ना। यहाँ पे ग्रुप्स के बेसिस पे होगा, टू रोल बैक द ट्रांजेक्शन मेकिंग पॉइंट्स विद इन ग्रुप। बात करते हैं SQL की। SQL क्या होता है, अभी मैं SQL ही बढ़ा रहा हूँ आपको। देखो डेटा बेस इन SQL में SQL पार्ट आता है ये। तो SQL स्टैंडर्ड लैंग्वेज है फॉर स्टोरिंग मैनिपुलेटिंग एंड रिट्रीविंग डेटा इन अ डेटाबेस। क्या करने के लिए, ध्यान से समझना, SQL क्या करता है, एक लैंग्वेज है, ठीक है, जो स्टोर करता है, मैनिपुलेट करता है और रिट्रीव करता है डेटा को डेटाबेस में से। यानी हमारे पास डेटाबेस है मगर हमें उसको उसमें से डेटा निकालना है या उस डेटा को चेंज करना है या उस डेटा को रिट्रीव करना है, स्टोर करना है, ये सब काम कौन करेगा। हम डायरेक्ट ऐसे अपनी भाषा में तो नहीं लिख सकते, तो वहाँ SQL काम आता है, ठीक है। तो आते हैं हम सेलेक्ट पे, अब कमांड्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। डेटाबेस में जो जो कमांड्स यूज़ होती हैं SQL में, सॉरी, तो सेलेक्ट क्या करता है, द सेलेक्ट कमांड इज़ यूज टू सेलेक्ट डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस। डेफिनेटली नाम से ही पता चल रहा है, डेटा को सेलेक्ट करने के काम आता है। सिंटेक्स देख लो, सेलेक्ट column 1, column 2 या column n, कितने भी चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ सेलेक्ट रोल नंबर नेम क्लास फ्रॉम टेबल नेम। अब टेबल का नाम भी इम्पॉर्टेंट है ना, और सेमी कॉलन भी लगाना ज़रूरी है। देखो आप यहाँ पे सेलेक्ट ऊपर लिखा है, फिर सेकंड लाइन में फ्रॉम लिखा है ना। आप इसको एक लाइन में भी लिख सकते हो, डिफरेंट लाइन में भी लिख सकते हो, ठीक है, मगर यहाँ पे सेमी कॉलन लगाना मत भूलना। तो ये सिंटेक्स के अंदर आता है सेमी कॉलन। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि सिंटेक्स आप समझ गए। सेकेंड कह रहा है column 1, column 2 आर द फील्ड्स ऑफ द नेम्स ऑफ द टेबल यू वांट टू सेट डेटा फ्रॉम, ठीक है। किस टेबल का डेटा आप सेट करना चाहते हो, उसकी फील्ड्स हैं, कॉलम्स हैं उसके। इफ़ यू वांट टू सेलेक्ट ऑल द फील्ड्स अवेलेबल इन द टेबल यू यूज़ द सिंटेक्स। अगर मान लो सब कुछ ही तुम्हें सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। तो स्टार एक टाइप का क्या होता है, सारा डेटा, जैसे हम ऑल लिख सकते हैं, आप सेलेक्ट ऑल है ना, मगर ऑल जो है वो कमांड में तो आता है नहीं, तो उसको स्टार में ही लिखेंगे। एग्जांपल देख लो, सेलेक्ट कस्टमर नेम सिटी फ्रॉम कस्टमर्स। कस्टमर क्यों लिखा, क्योंकि टेबल का नाम ध्यान रखना, ठीक है, जो टेबल का एग्जैक्ट नाम है वही लिखना। फ्रॉम के बाद देखो, फ्रॉम जो है वो कैपिटल हो स्मॉल हो कोई दिक्कत नहीं, मगर टेबल का नाम, उसकी फील्ड्स का नाम एग्जैक्ट होना चाहिए। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट क्या करता है, द सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट इज़ यूज टू रिटर्न ओनली डिस्टिंक्ट वैल्यूज़। ठीक है, डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ को ही रिटर्न करता है, जैसे सेलेक्ट डिस्टिंक्ट column 1, column 2 फ्रॉम टेबल नेम। तो सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कंट्री फ्रॉम कस्टमर्स। तो देखो क्या हुआ, डिस्टिंक्ट मतलब होता है, मान लो कि कस्टमर में से तुम्हारे दिल्ली से 4 बंदे आ रहे हैं और जयपुर से 5 आ रहे हैं, तो जब डिस्टिंक्ट सर्च करोगे तो फिर 2 ही कॉलम आएंगे जो जिसमें दिल्ली और जयपुर लिखा हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं, अच्छा कंट्री की बात हो रही थी, ठीक है, इंडिया और जापान कह लेते हैं, इंडिया और जापान लिखा होगा, है ना। तो फिर यहाँ पे भले ही इंडिया के बहुत सारे लोग हैं, मगर यहाँ पे सिर्फ एक ही बार बोला जाएगा, क्योंकि इंडिया एक डिस्टिंक्ट है, उसके बाद जापान डिस्टिंक्ट है, ठीक है। बात करते हैं वेयर की। वेयर क्या करता है, द वेयर क्लॉज इज़ यूज टू फिल्टर रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स को फिल्टर करने के काम आता है वेयर क्लॉज। कैसे, सेलेक्ट column 1, column 2 फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। यानी ऐसे बोलते हैं ना कि ऐसे कस्टमर को ढूंढो, ऐसे कस्टमर के नाम बताओ
टेबल कस्टमर में से जिन्होंने अभी तक पेमेंट नहीं करी है, तो वेयर पेमेंट नॉट गिवन, है ना, ऐसे कह सकते हैं। तो एग्जांपल देख लो, ज़्यादा समझ में आएगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कंट्री इज इक्वल्स टू कोर्ट के अंदर मैक्सिको, यानी कोर्ट के अंदर जो भी होता है स्ट्रिंग होती है एक तरह से, है ना। तो यहाँ पे अगर जहाँ पे मैक्सिको लिखा हुआ है, और सेमी कॉलन मत भूलना, तो जहाँ पे कंट्री जिसकी मैक्सिको हो वहाँ पे सारा डेटा कलेक्ट कर दो। स्टार लिखा है ना, फ्रॉम कस्टमर जहाँ पे कंट्री मैक्सिको हो, ठीक है। तो ये था हमारा वेयर कमांड। बात करते हैं ऑपरेशंस की, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी दे रखा है उनका। इक्वल टू आपको पता, इक्वल आपको पता है, ग्रेटर देन आपको पता है, स्मॉलर देन पता है, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेसर देन, इक्वल टू, और ये है नॉट इक्वल। और देखो नॉट इक्वल इस तरह से भी दिखाया जाता है, और कुछ वर्जन में, एसक्यूएल के वर्जन में, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल टू भी लगाते हैं, जैसे कि आपको पता ही है, हम यहाँ पे कोडिंग वालों को पता है, हर जगह ऐसे लगता है ना जब नॉट इक्वल की बात होती है। मगर ये ब्रैकेट्स वाले, एरो ब्रैकेट्स वाला नहीं पता था। अच्छा, एंड और नॉट के बारे में देख लेते हैं। एंड और नॉट, द वेयर क्लॉज कैन बी कम्बाइंड विद एंड और एंड नॉट ऑपरेशन, ठीक है। वेयर जो है वो एंड और नॉट से कम्बाइन करा जा सकता है, और एंड एंड और ऑपरेशन आर यूज टू फिल्टर रिकॉर्ड बेस्ड ऑन मोर देन वन कंडीशन। तो एंड या और जो है वो एक से ज़्यादा कंडीशन के लिए काम आता है। मान लो कि वो मेक्सिको में रहता हो, फिर उसके पास खुद का घर हो, फिर ऐसे तो और आ जाता है ना, या एंड एंड आ जाता है। वैसे इसमें एंड आएगा क्योंकि जब दो कंडीशंस मैंडेटरी होती है दोनों, तो एंड आता है, है ना। हिंदी वाला और कहते हैं हम, इंग्लिश वाले एंड को। तो एंड ऑपरेशन, अच्छा ये हो क्या रहा है अभी बैकग्राउंड में, यहाँ पे बारिश हो रही है ना, तो अगर तुम्हें बारिश की आवाज़ तेज आ रही है तो यार इसके लिए सॉरी, बस तुम मेरी आवाज़ पे फोकस करना, मैं तेज़ बोल रहा हूँ और एकदम पास में रखा हुआ है तो मेरा ज़्यादा सुनाई दे रहा होगा, है ना। तो द और ऑपरेशन डिस्प्लेज अ रिकॉर्ड इफ़ एनी ऑफ द कंडीशन सेपरेटेड बाय और इज़ ट्रू। तो एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो और स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है, और एंड में क्या होता है, दोनों को ही ट्रू होना पड़ता है। द नॉट ऑपरेशन डिस्प्लेज अ रिकॉर्ड इफ़ द कंडीशन इज़ नॉट ट्रू। तो कंडीशन जब ट्रू नहीं होती तो नॉट क्या करता है, तभी ऑपरेशन दिखाता है, ठीक है, रिकॉर्ड दिखाते हैं, सॉरी। सिंटेक्स देख लो, सेलेक्ट कॉलम वन कॉलम टू फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन वन एंड कंडीशन टू एंड कंडीशन थ्री। तो ये एंड की हो गई, और में और आ जाएगा, नॉट में आ जाएगा कंडीशन वाला, तो वेयर नॉट फिर कंडीशन। एग्जांपल देख लो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कंट्री जर्मनी हो एंड सिटी बर्लिन हो। तो ये दोनों चीज़ों को, जर्मनी में रहता हो बर्लिन सिटी में, तो उन्हीं बंदों का लिस्ट आ जाएगा। और सेकंड पार्ट देखो, वेयर कंट्री इज जर्मनी एंड सिटी बर्लिन और सिटी मुनैच, यानी यहाँ पे बर्लिन का हो या मुनैच का हो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का, दोनों में से किसी का भी चलेगा, ठीक है, मगर कंट्री जर्मनी होनी चाहिए, ठीक है। एंड आ गया जर्मनी या बाकी के ऑप्शन में से, और बाकी के ऑप्शन में से चॉइस है, और जहाँ आता है वो चॉइस हो जाता है। ऑर्डर बाय कीवर्ड इज़ यूज टू सॉर्ट द रिजल्ट सेट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब डेटा को असेंड, जैसे मैं बोला कि कितने कस्टमर ने कितना अमाउंट का हमारा प्रोडक्ट ख़रीदा है, तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर दो, तो ऐसी चीज़ें, ठीक है, या कस्टमर के नेम इवन असेंडिंग ऑर्डर में, अल्फाबेटिक ऑर्डर में। देखो अभी बताते हैं कि द ऑर्डर बाय कीवर्ड सॉर्ट द ऑर्डर्स इन असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफ़ॉल्ट, है ना, बाय डिफ़ॉल्ट तो असेंडिंग होता है। टू सॉर्ट द रिकॉर्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर हमें DESC कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर के पहले चार वर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। सिंटेक्स देख लो, सेलेक्ट कॉलम वन कॉलम टू फ्रॉम टेबल नेम ऑर्डर्ड बाय कॉलम वन कॉलम टू ASC या DESC, इनमें से कुछ एक लिखना है, ठीक है। वैसे ASC लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट होता है। एग्जांपल देख लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर ऑर्डर बाय कंट्री, तो कस्टमर ऑर्डर बाय कंट्री, तो क्या हुआ यहाँ पे, कंट्री के अल्फाबेटिक ऑर्डर में लगाना है, ठीक, कस्टमर्स को, जैसे जो ऑस्ट्रेलिया का है उसको पहले लिखेंगे, फिर जाके आएगा दूसरी कंट्री का।
सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर ऑर्डर्ड बाय कंट्री असेंडिंग ऑर्डर में और कस्टमर नेम डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो ये कंडीशन दोनों ट्रू होनी चाहिए ना, कॉमन लग गया। तो कस्टमर का नाम डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, मतलब मान लो कि ऑस्ट्रेलिया से तीन बंदे हैं, एक का नाम ए से शुरू होता है, दूसरे का बी से, तीसरे का सी से, तो सी वाला पहले आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया से, है ना, ऐसा होगा। इंसर्ट इनटू, इंसर्ट इनटू क्या करता है, द इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट इज़ यूज्ड टू इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड इन अ टेबल। अब यहाँ पे इंसर्ट इनटू से ही समझ में आ रहा है, एक टेबल के अंदर नया रिकॉर्ड इनटू इंसर्ट करने की बात हो रही है। मान लो कि उनका आधार कार्ड भी आ गया, तो अब एक नया कॉलम बनेगा, ठीक है, ऐसा कुछ। तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम, टेबल का नाम, ठीक है, फिर कॉलम, मतलब क्या कॉलम होने चाहिए, एक साथ आप एक से ज़्यादा, यहाँ बिजली कड़की है अभी, एक साथ आप एक से ज़्यादा भी कॉलम को डाल सकते हैं ना, बहुत सारे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ऐसे करके, वोटर आईडी कार्ड, वैल्यूज़ दे रखी है, वैल्यू वन वैल्यू टू, यानी क्या वैल्यूज डालनी है। तो देखो, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यू, वैल्यू वन वैल्यू टू, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, बिना कॉलम लिखे। तो इन द सेकेंड सिंटेक्स, मेक श्योर द ऑर्डर ऑफ वैल्यूज इन इज द सेम ऑर्डर एज अ कॉलम इन द टेबल, ठीक है, ये ध्यान देना, ऑर्डर जो होगा वो कॉलम के हिसाब से होगा। अच्छा, यहाँ पे कॉलम एंटर नहीं हो रहा, यहाँ पे रो एंटर हो रही है, ध्यान देना इस चीज़ का, नहीं समझे, मतलब जैसे मैं अभी आपको आधार कार्ड पैन कार्ड बोल रहा था, वो कॉलम के लिए बोल रहा था, है ना, ये चीज़ नहीं होगी, यहाँ पे एंट्री नहीं है, एंट्री ऐड होगी, मतलब एक नया कस्टमर आ गया, उसका डिटेल, उसका नाम, उसका कंट्री, उसका, है ना, तो ये चीज़ है, यानी यहाँ पे रो एंटर होगी, यही लिखा है इसमें। एग्जांपल देख लो, इंसर्ट इनटू कस्टमर, तो रो हमारे यहाँ पे कॉलम कौन से हैं, कस्टमर का नाम, कस्टमर का कॉन्टैक्ट, एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड या कंट्री, है ना। अब वैल्यूज़ क्या डाला, कार्डिनल, टॉम बी, एरिचिन, स्कैन 21, स्टेवेंजर 406 और नॉर्वे, तो ये सब डालना पड़ा वैल्यूज़ को। तो ये क्या है, रो फिल हो रही है एक तरह से, ठीक है, कॉलम मैंने ऐसे बोल दिया था, यहाँ पे कॉलम का यूज़ करके रो फिल हो रही है। जैसे नई एंट्री बनती है, क्लास में नया बच्चा आता है, तो उसका नाम, रोल नंबर सब नए रो में लिखा जाता है ना, कॉलम के हिसाब से, ध्यान देना इस चीज़ का, एक कोई भी कॉलम खाली मत रखना। और यहाँ पे देखो, कोट्स के अंदर लिखा गया है, कोट्स के अंदर भी लिखना, ठीक है। नल वैल्यूज़ क्या होती हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेस्ट फॉर नल वैल्यूज़ विथ कंपेरिजन ऑपरेशन सच एज इक्वल टू, स्मॉलर देन और नॉट इक्वल टू, वी विल हैव टू यूज इट इज़ नल एंड इज़ नॉट नल ऑपरेशन, है ना। हम ऐसा नहीं कर सकते कि नल ऑपरेशन के लिए ये सब लगाना पड़े, हमें नल पूछना पड़ेगा, क्या ये नल है, क्या ये नॉट नल है। तो सिंटेक्स देख लो, सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल वेयर कॉलम नेम इज नल, यानी ऐसा कॉलम जो खाली हो, या सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल वेयर कॉलम नेम इज नॉट नल, जो खाली ना हो, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं, कस्टमर नेम, सेलेक्ट कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट नेम, एड्रेस फ्रॉम कस्टमर वेयर एड्रेस इज नल, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जिसने अपना एड्रेस नहीं दिया उसकी डिटेल आ जाएगी, उसको फ़ोन करके बोलेंगे अपना एड्रेस दो, फिर हम अपने टेबल में इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट इनटू टेबल करेंगे, ठीक है। आते हैं अपडेट पे, अपडेट स्टेटमेंट क्या करते हैं, यूज टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग ऑर्डर इन टेबल, यानी अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम वन इक्वल टू वैल्यू वन, कॉलम टू इक्वल टू वैल्यू टू एंड सो ऑन। तो वेयर कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन आ जाती है, तो टेबल को अपडेट करना चाहेंगे हमें, ठीक है। अगर मान लो टेबल कस्टमर का कुछ चेंजमेंट आ गया है ना, अकॉर्डिंग टू पॉलिसीज ऑफ आवर कंपनी, तो हमें उसके हिसाब से अपडेट करना पड़ेगा अपना डेटाबेस को। तो एग्जांपल देख लो, अपडेट कस्टमर सेट कॉन्टैक्ट नेम अल्फ्रेड सिटी फ्रैंकफर्ट वेयर कस्टमर आईडी वन, तो जहाँ पे कस्टमर आईडी वन है ना, वहाँ पे थोड़ा डेटा में मिसमैच हो रहा था, वहाँ का असली नाम, कॉन्टैक्ट नाम था अल्फ्रेड और सिटी थी फ्रैंकफर्ट, है ना, जो कि हमने पहले कुछ और लिखी थी, तो अपडेट कर दिया इस बार, जिसकी भी कस्टमर आईडी वन थी उसका नाम और सिटी चेंज हो जाएगा। डिलीट क्या करता है, द डिलीट स्टेटमेंट इज़ यूज्ड टू डिलीट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इन अ टेबल, यानी जो पहले से रिकॉर्ड है उसको डिलीट करने के काम आता है, जैसे डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन, जो कंडीशन ट्रू हो रही है वो टेबल से डिलीट करने हैं, तो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इन सेकेंड सेंटेक्स ऑल रोज आर डिलीटेड, तो ध्यान देना पूरी रो डिलीट हो जाएगी।
ठीक है, मान लो कि तुम्हारा एक बच्चा है, एक बच्चे का सिर्फ फ़ोन नंबर डिलीट करना था, तुमने कंडीशन नहीं रखी, गई पूरी टेबल पूरी रो डिलीट हो गई। इसलिए डेटाबेस के साथ काम करना और चीज़ों को अपडेट डिलीट करना बहुत ही वो पड़ सकता है, महंगा है ना, इसलिए बहुत प्रिकॉशंस लेके होना पड़ेगा। तो डिलीट फ्रॉम कस्टमर, एग्जांपल देख लो, डिलीट फ्रॉम कस्टमर विद कस्टमर नेम अल्फ्रेड फोरकेस्टर, है ना। तो ऐसे कस्टमर से डिलीट करना है जिसका कस्टमर का नाम ये हो, तो हो जाएगा फिर डिलीट। ठीक है, सेलेक्ट टॉप करते हैं ऐसे। आप इन चीज़ों को आप एक बार MySQL में करके देखेंगे ना तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। सेलेक्ट टॉप क्या करता है, द सेलेक्ट टॉप क्लॉज इज़ यूज टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन टू रिटर्न, तो कितने रिकॉर्ड्स को रिटर्न करना है ये बताता है। जैसे सेलेक्ट टॉप नंबर परसेंट कॉलम नेम, कॉलम नेम्स है ना, या फिर नंबर लिख दो या फिर परसेंट कॉलम नेम लिखो फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन, या सेलेक्ट कॉलम नेम्स फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन लिमिट नंबर, या सेलेक्ट कॉलम नेम्स फ्रॉम टेबल नेम ऑर्डर बाय कॉलम नेम फेच फर्स्ट नंबर रो ओनली। ठीक है, अलग अलग तरीके हैं सिंटेक्स अगर अलग कह, आखिरी वाले कह रहे हैं सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर रो नम स्मॉलर देन इक्वल टू नंबर। तो इन द केस द इंटरव्यूअर आस्क अदर देन द टॉप रेस्ट आर ऑल्सो करेक्ट, ठीक है, तो बाकी वाले भी करेक्ट हैं, तो कन्फ्यूज़ मत होना। ठीक है, अगर वो कहते हैं कि रोज़ ओनली लिखा होगा, फेच फर्स्ट ये सब लिखा हुआ होगा, तो भी सेम चीज़ की बात हो रही होगी। और सेलेक्ट टॉप थ्री, एग्जांपल देख लो, सेलेक्ट टॉप थ्री स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, है ना, तो टॉप थ्री कस्टमर्स को लेने वाले हैं, उनके डेटा को लेने वाले हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स लिमिट थ्री, ये भी कर सकते हैं, है ना, सब कुछ ले लो, लिमिट दे रखी तीन। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर फेच फर्स्ट थ्री ऑन रोज ऑनली, ठीक है, ये चीज़ भी सेम चीज़ है। हमें यहाँ पे डेटा रो मतलब एक पर्टिकुलर आदमी की पूरी डिटेल, ठीक है, कॉलम तो होता है पर्टिकुलर आदमी के नाम, सारे पर्टिकुलर आदमी के नहीं, सभी सारे नाम है ना, मगर जब रो की बात होती है, रो ऑनली, तो एक पर्टिकुलर आदमी की सारी डिटेल। एग्रीगेट फंक्शंस, एग्रीगेट फंक्शन क्या होते हैं, मिन देख लो, जैसे सेलेक्ट मिन कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन, जैसे जहाँ पे प्राइस मिनिमम हो, एग्जांपल में देख रहे हो, सेलेक्ट मिन प्राइस एज स्मॉलेस्ट प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट्स, तो ऐसा प्रोडक्ट कोई मांग रहा है जिसका सबसे कम दाम हो, तो मिन प्राइस कर देंगे। ठीक है, मैक्स में क्या करेंगे, सेलेक्ट मैक्स प्राइस और लार्जेस्ट प्राइस कह देंगे फ्रॉम प्रोडक्ट। काउंट क्या करता है, काउंट करता है डेफिनेटली, सेलेक्ट काउंट प्रोडक्ट आईडी फ्रॉम प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो प्रोडक्ट आईडी कितनी है वो बताता है कि हमारे पास कितने प्रोडक्ट हैं। एवरेज क्या करता है, देखो सेलेक्ट एवरेज प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट, तो सभी प्राइजेस का एवरेज करके बताता है कि भाई ऑलमोस्ट इतने की रेंज में हमारे प्रोडक्ट बिक रहे हैं। ठीक है, जैसे हम एवरेज सैलरी बताते हैं, तो ऐसे ही एवरेज प्रोडक्ट का प्राइस भी होता है। सम क्या करता है, सम सेम चीज़ करता है, मान लो तुम्हारे पास बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं, उसका सम कर देता है कि हाँ भाई हमारे पास इतने प्रोडक्ट्स हैं। लाइक ऑपरेशन क्या करता है, द लाइक ऑपरेशन इज़ यूज इन अ वेयर क्लॉज टू सर्च फॉर अ स्पेसिफिक पैटर्न इन अ कॉलम, तो एक कॉलम में स्पेसिफिक पैटर्न ढूंढने के काम आता है। देर आर टू वाइल्ड कार्ड्स ऑफन यूज इन कंजक्शन विद द लाइक ऑपरेशन, तो क्या बोला, मतलब सिमिलर टू, है ना, लाइक मतलब सिमिलर टू, इसके जैसा हो, बताता हूँ कैसे। द परसेंटेज साइन रिप्रेजेंट 0, 1 और मल्टीपल कैरेक्टर, ठीक है, परसेंटेज साइन क्या बताता है, या तो एक कोई कैरेक्टर ना हो, या एक हो, या बहुत सारे कैरेक्टर हो, और द अंडरस्कोर साइन रिप्रेजेंट 1 सिंगल कैरेक्टर, यानी मैंने बोला कि देखो अभी ये सुनने में थोड़ा हार्ड लग रहा होगा मगर बहुत मज़ेदार है। जैसे मेरे को एक आदमी का नाम याद नहीं आ रहा, धुंधला धुंधला से याद है, उसका नाम के से शुरू होता है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, के मॉड्यूलस लगा दूँगा या परसेंटेज साइन लगा दूँगा, तो क्या होगा, जो भी के से नाम होंगे ना जितने भी हमारे डेटाबेस में सब आ जाएंगी, तो पता चलेगा वो केशव था, है ना, तो पता जैसे ही हमने देखा के नाम की एंट्री, तो एक नाम केशव दिख गया, याद आ गया मुझे, ठीक है, या फिर हमें कुछ ज़्यादा याद नहीं आ रहा, मतलब ऐसा है उसका दो ही नाम है, तो मतलब तीन नाम का है वो, KR$, है ना, तो डॉलर साइन याद नहीं आ रहा हमें, हमने अंडरस्कोर लगा दिया, तो जो भी होगा, जो भी तीन नाम का आदमी होगा वो सामने दिख जाएगा। तो जैसे एग्जांपल देख लेते हैं,
ऐसा कुछ होगा, सेलेक्ट कॉलम वन कॉलम टू फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम एन लाइक पैटर्न, ठीक है। तो जैसे वेयर कस्टमर नेम लाइक ए मॉड्यूलस, सॉरी मॉड्यूलस बोलूँगा मैं इसको, है ना, परसेंटेज साइन बात एक ही है। तो फाइंड एनी वैल्यूज दैट स्टार्ट विद ए, तो ए नाम से सारी वैल्यूज़ कस्टमर के नाम पता लगाएगा, और वेयर कस्टमर लाइक मॉड्यूलस ए, यानी आखिर में ए आ रहा हो, ठीक है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका, बस आखिर में ए होना चाहिए। या वेयर कस्टमर नेम इज़ लाइक मॉड्यूलस और मॉड्यूलस, यानी और जो है वो बीच में कहीं आ रहा हो, ठीक है, जैसे गौरव है, ठीक है, वैसे गौरव में आता नहीं है, जी ओ आर ओ वी ऐसे कह दो, है ना, तो ओ आर आ रहा है ना बीच में, ऐसा कुछ, तो बीच में कहीं भी आ रहा हो तो उसको इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। और दूसरे टेबल देख लो, वेयर कस्टमर नेम लाइक अंडर स्कोर आर मॉड्यूलस, ठीक है, समझना क्या बोल रहा है, यानी पहला एक वर्ड होगा, जैसे राजेश है, ठीक है, राजेश में भी गड़बड़ हो गई, आर से आगे कुछ नहीं आ रहा, कृष्णा है, ठीक है, के आर आई एस एच एन ई, है ना, तो के पहला वर्ड है, यानी शुरू में पहला वर्ड मिसिंग होगा, फाइंड एनी वैल्यू दैट हैव आर इन द सेकंड पोजीशन। हाँ, कितना सिंपल तरीके से बोला, कोई भी ऐसी वैल्यू जिसमें आर सेकंड पोजीशन पे हो, तो कृष्णा में आर सेकंड पे आ रहा है, बाकी हमें लेना देना नहीं है, ठीक है। वेयर कस्टमर नेम लाइक ए अंडरस्कोर मॉड्यूलस, क्या कहता है ये, फाइंड एनी वैल्यू दैट स्टार्ट विद ए एंड आर एट लीस्ट टू कैरेक्टर इन लेंथ, है ना। तो अगर मैं ए मॉड्यूलस कर देता तो ज़रूरी नहीं था, खाली भी हो सकता है, सिर्फ ए नाम से आदमी भी आ जाते, मगर कम से कम दो कैरेक्टर होने चाहिए, है ना, तो इसलिए हमने अंडरस्कोर लगाया, कि अंडरस्कोर तो भरना ही भरना पड़ेगा, मॉड्यूलस भरो या ना भरो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। वेयर कस्टमर नेम इज़ लाइक ए अंडरस्कोर अंडरस्कोर मॉड्यूलस, यानी कम से कम तीन कैरेक्टर का नाम होगा, है ना, एश नाम है तो ए एस एच हो गया, अब उसके बाद अश्वनी लिखा है, जो लिखा है उससे हमें मतलब नहीं है ना, मतलब हो अगर वो टेबल में आ भी जाता है तो भी चलेगा, ठीक है। हमें ऐसी एंट्री चाहिए थी जिसका नाम एटलीस्ट तीन होना चाहिए, तीन वर्ड होने चाहिए उसके नाम में। वेयर कॉन्टैक्ट नेम, हाँ ये देखो, ए मॉड्यूलस ओ, यानी शुरू ए से होता हो और ख़त्म ओ पे होता हो, ठीक है, तो ऐसा नाम जिसका नाम ए से शुरू होता हो ख़त्म ओ पे होता हो, तो इस तरह से लाइक कीवर्ड का यूज़ करा जाता है एसक्यूएल में। इन देख लेते हैं, द इन ऑपरेशन अलाउ यू टू स्पेसिफाई मल्टीपल वैल्यूज़ इन अ वेयर क्लॉज, तो वेयर क्लॉज में मल्टीपल वैल्यूज़ को स्पेसिफाई करने का काम आता है। इन द इन ऑपरेशन इज अ शॉर्ट हैंड फॉर मल्टीपल और कंडीशंस, हाँ तो ये अच्छी बात है, बार बार और ना लिखना पड़े इसलिए एक ही बार में कर दिया हमने। देखो कैसे, सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम इन वैल्यूज़ दे रखी हैं, है ना, एग्जाम्पल देख के समझते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर कंट्री इन जर्मनी फ्रांस यूके, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, कंट्री जर्मनी और फ्रांस और यूके, ऐसे करके कंट्री जर्मनी और कंट्री फ्रांस और कितना लंबा लिखना पड़ता है ना। यहाँ पे अगर इन लिखा, ब्रैकेट लगाया और सारी कंट्रीज़ के नाम लिख दिए जो जो हमें चाहिए, और या फिर हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर कंट्रीज इन सेलेक्ट कंट्री फ्रॉम सप्लायर, यानी अब एक और कंडीशन इवन डाल सकते हैं बीच में हम, तो ये अच्छी बात है बहुत, कि कंडीशन के अंदर कंडीशन हो, बहुत बार काम आएगा ये आपका, ठीक है। हो क्या रहा है इसमें, कस्टम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, सारे कस्टमर्स मतलब कस्टमर टेबल है उसमें से ऐसे कस्टमर का डेटा निकालो जहाँ पे कंट्री जो होगी इन, अब कंडीशन क्या, सेलेक्ट कंट्री फ्रॉम सप्लायर, जो कंट्री सप्लायर में से है ना उसी में से कस्टमर का डेटा निकालो, यानी जिनके लिए सप्लाई हुई है, तो एक टाइप का हमने लोगों को छांट लिया है ना। आते हैं बिटवीन कीवर्ड पे, तो द बिटवीन ऑपरेशन सेलेक्ट्स वैल्यूज़ विद इन अ गिवन रेंज, द वैल्यू कैन बी नंबर टेक्स्ट एंड डेट, तो बिटवीन क्या करता है, एक रेंज में देता है, जैसे बिटवीन ऑपरेशन इज इंक्लूसिव, बिगिन एंड एंड वैल्यूज़ आर इंक्लूडेड, तो ध्यान देना बिटवीन का मतलब ये नहीं है कि बीचों बीच में आगे पीछे की चीज़ें भूल जाएंगे, नहीं, मैं बोलूँगा वन से सेवन के बिटवीन, तो वन और सेवन भी आएंगे, ठीक है, इसलिए बोलते हैं इंक्लूसिव, यानी होना, ऐड होना, ठीक है। तो दिखा देते हैं कैसे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर प्राइस बिटवीन 10 एंड 20, तो 10 भी आएंगे 20 भी आएंगे। जॉइंस क्या करते हैं, अ जॉइंट क्लॉज इज यूज टू कंबाइन रोज फ्रॉम टू और मोर टेबल्स, अब क्या हुआ, रोज को कंबाइन हो रहे हैं बेस्ड ऑन द रिलेटेड कॉलम्स बिटवीन देम, तो जिस तरह से कॉलम रिलेट करेगा उस टाइप से रोज को ज्वाइन करा जाएगा, जैसे इनर जॉइन, द इनर जॉइन इज कीवर्ड सेलेक्ट रोज
दैट हैव मैच्ड वैल्यूज़ इन बोथ सिंटैक्स. तो यहाँ पे क्या होगा, टेब सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल वन इनर जॉइन टेबल टू ऑन टेबल नेम. देखो मैं इसका एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है, बेटर रहता है एग्जांपल से देखना, वरना ये तो रोबोट वाली लैंग्वेज लग रही है ना. सेलेक्ट ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर आई डी, बहुत इंपॉर्टेंट, ये हमने 12वीं में भी देखा था कि देखो डॉट लगाना यानी ऑर्डर में से ऑर्डर आई डी लेना है. ऑर्डर टेबल का नाम है, ऑर्डर आई डी टेबल का एक कॉलम है, ठीक है. तो कस्टमर्स डॉट कस्टमर नेम फ्रॉम ऑर्डर्स इनर जॉइन कस्टमर्स ऑन ऑर्डर्स डॉट कस्टमर आई डी इक्वल टू कस्टमर डॉट कस्टमर आई डी. यानी हुआ क्या, देखना, बहुत अच्छी बात बोली है कि ऐसी ऐसी ऑर्डर आई डी जो कस्टमर में भी हो और ऑर्डर्स में भी हो, अगर वो इक्वल हैं, ठीक है, ऐसा होगा कि ऑर्डर आई डी जो है वो कस्टमर और ऑर्डर्स में इक्वल होंगी, तो ऐसे इनर जॉइन को लेना है कस्टमर्स में और ऑर्डर से, उसके ऑर्डर ऑर्डर आई डी या कस्टमर नेम को सेलेक्ट कर रहा है, ठीक है. यानी ऐसे कस्टमर जिन्होंने ऑर्डर दिया हो उनका नाम और ऑर्डर आई डी चाहिए. तो यहाँ दिक्कत पता है क्यों, इतना लंबा क्यों लिखना पड़ा. देखो हमारे पास यहाँ पर दो टेबल्स हैं, ठीक है, तो एक टेबल में हमारे पास ऑर्डर आई डी दे रखी है, दूसरे टेबल में हमें कस्टमर का नाम दे रखा है. हमें ऐसे कस्टमर चाहिए जिन्होंने अपना ऑर्डर लिखवाया हो, है ना. अब ऐसे इन दोनों को मैच कैसे करा जाए, तो इसके लिए जॉइन स्टेटमेंट लगी है, ठीक है. तो इनर जॉइन लगा है. लेफ्ट या आउटर जॉइन क्या करता है, द लेफ्ट जॉइन कीवर्ड रिटर्न ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टेबल एंड द मैचिंग रिकॉर्ड फ्रॉम द राइट टेबल. यानी लेफ्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड और मैचिंग रिकॉर्ड लेता है राइट टेबल के. क्या हुआ यहाँ पे, लेफ्ट टेबल जो थी उसके सारे रिकॉर्ड ले लिए, है ना, और मैचिंग रिकॉर्ड लिए राइट टेबल के. देखो अभी एग्जांपल, दिस रिजल्ट इन जीरो रिकॉर्ड फ्रॉम द राइट साइड, है ना, इफ़ देर इज़ नो मैच. तो कोई मैच नहीं होगा तो राइट साइड से कोई रिकॉर्ड ही नहीं आएगा. देखो सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल वन लेफ्ट जॉइन टेबल टू ऑन टेबल वन डॉट कॉलम नेम इक्वल टू टेबल टू डॉट कॉलम नेम. जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, कस्टमर्स डॉट कस्टमर नेम और ऑर्डर आई डी लेना ऑर्डर टेबल से फ्रॉम कस्टमर्स लेफ्ट जॉइन ऑर्डर ऑन कस्टमर डॉट कस्टमर आई डी और ऑर्डर्स कस्टमर आई डी. तो ऑर्डर बाय कस्टमर्स डॉट कस्टमर नेम, ठीक है. तो यहाँ पे क्या हुआ, लेफ्ट लेफ्ट से लिया, राइट से ज़ीरो आएगा अगर लेफ्ट में कोई मैच ना हुआ तो. राइट में क्या होता है, राइट या आउटर जॉइन क्या करता है, सेम चीज़ करता है, बस यहाँ पे थोड़ा राइट वे में करता है. देखो कैसे, कि द राइट जॉइन कीवर्ड रिटर्न ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम द राइट टेबल, है ना. इस बार क्या करता है, सारे रिकॉर्ड राइट टेबल से निकालेगा एंड द मैचिंग रिकॉर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टेबल. और लेफ्ट टेबल से कौन से रिकॉर्ड निकालेगा, मैचिंग रिकॉर्ड निकालेगा एंड द रिजल्ट इज़ ज़ीरो रिकॉर्ड फ्रॉम लेफ्ट टेबल. तो रिजल्ट क्या आएगा, कोई रिकॉर्ड नहीं आएगा लेफ्ट टेबल से अगर राइट टेबल का कोई मैच ना हुआ तो. तो जैसा आपको लेफ्ट वाले में दिखा था वहाँ पे ज़ीरो तब आ रहा था राइट टेबल से जब कुछ ना आए, यहाँ पे ज़ीरो तब आएगा जब लेफ्ट टेबल से कुछ ना आए, ठीक है, लेफ्ट साइड से कुछ ना आए. तो ये रहा इसका एग्जांपल, देख सकते हैं. फुल या आउटर जॉइन क्या करता है, फुल आउटर जॉइन कीवर्ड रिटर्न ऑल रिकॉर्ड व्हेन देयर इज़ अ मैच इन लेफ्ट और राइट टेबल. यानी इन दोनों में से किसी में मैच निकल गया तो फुल जॉइन काम आ जाएगा, ठीक है. तो यहाँ लिखा है फुल आउटर जॉइन ऑर्डर ऑन कस्टमर आईडी बराबर ऑर्डर्ड बाय कस्टमर नेम, है ना. यूनियन क्या करता है, यूनियन जैसा सेट में होता है वैसा ही यहाँ पे भी काम करता है. द यूनियन ऑपरेशन इज टू कंबाइन द रिजल्ट सेट ऑफ टू और मोर सेलेक्ट स्टेटमेंट, है ना, दो और दो से ज़्यादा सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूनियन कर देना, ठीक है, जोड़ देना. एवरी सेलेक्ट स्टेटमेंट विद इन यूनियन मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ कॉलम. तो कंडीशन ये है कि कॉलम सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम कैसे यूनियन कर पाएंगे. मान लो सेट ही अलग हैं तो फिर कैसे हो पाएगा. द कॉलम मस्ट ऑल्सो हैव सिमिलर डेटा, तो डेटा टाइप्स भी सिमिलर होने चाहिए. कॉलम्स इन एवरी सेलेक्ट स्टेटमेंट मस्ट ऑल्सो बी इन सेम ऑर्डर, और ऑर्डर भी सेम होना चाहिए. तो बहुत सारी कंडीशंस को ध्यान में रखना पड़ता है. द यूनियन ऑपरेशन सेलेक्ट ओनली डिस्टिंक्ट वैल्यूज बाई डिफॉल्ट, टू अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू यूज़ यूनियन ऑल. तो डिस्टिंक्ट वैल्यूज बाई डिफॉल्ट करता है यूनियन वैल्यू, यानी सारी वैल्यूज़ को लेना है. यानी इंडिया नाम से बहुत सारे होंगे, तब बहुत सारे चाहिए तो फिर हमें यूनियन ऑल लिखना पड़ेगा, ठीक है. तो एग्जांपल देख लो, सेलेक्ट सिटी फ्रॉम कस्टमर यूनियन सेलेक्ट सिटी फ्रॉम सप्लायर ऑर्डर बाय सिटी. तो यहाँ पे क्या हुआ, यूनियन का यूज़ हुआ और सप्लायर और कस्टमर टेबल से हमने सिटीज़ को निकालना है. ग्रुप बाय क्या करता है, द ग्रुप बाय स्टेटमेंट ग्रुप रोज दैट हैव द सेम वैल्यूज इनटू समरी रोज, लाइक फाइंड द नंबर ऑफ कस्टमर्स इन ईच कंट्री, है ना, ऐसी चीज़ों में. द ग्रुप बाय स्टेटमेंट इज़ ऑफन यूज विद एग्रीगेट फंक्शन, है ना, काउंट मिनिमम मैक्सिमम एवरेज,
तो इसको ग्रुप बाय में यूज़ होता है, जैसे सेलेक्ट काउंट कस्टमर आईडी कंट्री फ्रॉम कस्टमर ग्रुप बाय कंट्री ऑर्डर बाय काउंट है ना डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो ये भी ग्रुप बाय था, ग्रुप करना चीज़ों को। हैविंग क्या करता है, हैविंग क्लॉज ऑल्सो वॉज एडेड टू एसक्यूएल बिकॉज द वेयर कीवर्ड कैन नॉट बी यूज विद इन एग्रीगेट फंक्शन, है ना। एग्रीगेट फंक्शन में नहीं यूज़ हो पाता था इसलिए हैविंग को लेना पड़ा। तो वेयर इज़ गिवन प्रायोरिटी ओवर हैविंग, ठीक है। वैसे वेयर को ज़्यादा यूज़ करा जाता हैविंग से, है ना। एग्रीगेट फंक्शन की बात हो रही है, एग्रीगेट फंक्शन कैसे, देखो सेलेक्ट काउंट कस्टमर आईडी कंट्री फ्रॉम कस्टमर ग्रुप बाय कंट्री हैविंग काउंट कस्टमर आईडी ग्रेटर देन 0, यहाँ पे वेयर का यूज़ नहीं होगा, यहाँ एग्रीगेट फंक्शन है ना। इस वजह से क्रिएट करना डेटाबेस को, तो क्रिएट डेटाबेस सिंपल क्रिएट लिख दो, एक नया वो डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम, ड्रॉप करना यानी डेटाबेस को उड़ा देना, इज यूज टू ड्रॉप एन एग्जिस्टिंग एसक्यूएल डेटाबेस, है ना। बस वो पहले से होना चाहिए जिसको उड़ा रहे हो। क्रिएट टेबल, टेबल को क्रिएट करने में थोड़ा बहुत आफत आती है, तो टेबल का नाम वगैरह है ना, कॉलम को लिखना कौन से कॉलम चाहिए। ड्रॉप टेबल यानी टेबल को ही ड्रॉप कर देना, ठीक है। फिर आता है ट्रंकेट टेबल, ट्रंकेट टेबल यूज टू डिलीट द डेटा इनसाइड अ टेबल, तो टेबल के इनसाइड जो है वो डेटा को, बट नॉट द टेबल इटसेल्फ, टेबल को डिलीट नहीं डेटा को डिलीट करना, ठीक है। मतलब टेबल बनी रहेगी आपकी, डेटा अंदर का डिलीट हो जाएगा, नाम वाम सारे डिलीट हो जाएंगे। एल्टर टेबल क्या करता है, यूज टू ऐड डिलीट या मॉडिफाई कॉलम्स, है ना। इज़ ऑल्सो यूज टू ऐड एंड ड्रॉप वेरियस कंस्ट्रेन, तो एग्जाम्पल देख लो, अल्टर टेबल ऐड ईमेल वायरकैर, वायरकैर होता है कैरेक्टर के लिए, है ना, तो 255 है, या अल्टर टेबल ड्रॉप कॉलम ईमेल, या अल्टर टेबल कॉलम डेट ऑफ बर्थ ईयर, है ना। तो ये था हमारा सब कुछ है, मतलब हमने एसक्यूएल की सारी कमांड, सारी कमांड्स का यूज़ और किस तरह से यूज़ करते हैं ये एग्ज़ाम्पल के साथ देख लिया है। तो हमें एसक्यूएल में एक ही क्लास में हमने सब कुछ कर लिया है, ठीक है। जाहिर है वीडियो लंबी है ये, मगर हमने बहुत कुछ सीखा है और बहुत सारी कीवर्ड्स को हमें पता चला है कि एक एसक्यूएल में क्या कैसी कैसी कमांड्स होती हैं और उसका यूज़ किस पर्सपेक्टिव में होता है, ठीक है। तो होप आपको ये डेटाबेस एंड एसक्यूएल की थ्योरी सीरीज समझ में आई होगी। ये डेफिनेटली आखिरी था नोट्स का, और नोट्स रिफ़र करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं। और जो अभी तक मेरे साथ जुड़े हैं उनको थैंक यू बोलूँगा, क्योंकि इतना देर तक सुनना किसी चीज़ को, है ना, और इंटरेस्ट के साथ सुनना बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगेन बोलूँगा थैंक्स। और जिसको भी ये चाहिए, जिसको भी सीखना है, या जिसको मेरा बताया वो समझ में आता है, तो यार उसको शेयर कर दो, या उसको एक बार बता सकते हो कि तेरे को अगर एसक्यूएल समझना है तो यहाँ से समझ ले, ठीक है। चलिए फिर, बाय।